अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के मेकॉन स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्टेडियम में करीब 4000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि योग एक साधना, एक संस्कार है, स्वस्थ जीवन शैली जीने का मापदंड है। नियमित योग करने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि योग करने वाले लोग सदैव निरोग रहते हैं, इसे अपने जीवन शैली में अपनाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन जी की तरफ से, अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूं और बहुत आपके जीवन में उन्नति हो, समृद्धि हो, आप यशस्वी हो, मनस्वी हो, इसकी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। मुझे योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूं और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है इस अभियान को पुनः एक बार दोहराएंगे। पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की जो सोच है कि समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, बिना प्रत्याशन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को घुटने से सामने से फैला लीजिए, शशांक आसन के लिए तैयार होंगे, दोनों हाथ सामने से ऊपर की ओर, और ये सिर्फ ना धीरे से नीचे लाइए, जहाँ पर भी आपका हाथ आ रहा है रुक जाइए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर करके अपने माथे को जमीन से लगाइए। कोविड-19 के बाद से बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ रही हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर, हाथ है, आर्थराइटिस है, उत्तान मंडूका इसी पोजीशन में बने रहेंगे, सभी उत्तान मंडूका आसन के लिए तैयार होंगे। दाया हाथ मोड़कर दाहिने कंधे पर रखेंगे, दाहिना हाथ मोड़कर बाएं कंधे पर, बल्कि और ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे। आसन ऐसे हैं, कुछ सेकंड इसी पोजीशन में बने रहेंगे, मन को सबको बलिष्ठ करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।